नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुखसाहूणं यशवञ्चनमकारो सपभावप्रणाशनो मंगलानञ्च सव्येसिं परमं हवैमङ्गलम् वसकरं पासं पासमन्दामि कमगणमुखं विसारविसदिनासं विसारपुल्लिङ्गमन्दं कण्ठे धारितो श्रवणो तस्य गहरोगमारि दुःखजलदन्तिव समम् चिट्ठौ दूरमन्तौ संतीकरं संतीजिनं जगशरणं जय श्री दयारं समरामि भक्तपालगणिवाणी गरुडकय सेवम ओम सनमो विपो सही पत्तानम संति सामी पायानम ज्रोम स्वाहा मंतेनम सवा शिव दुर्यहरणानम ओम संति नमुक्कारो खेलो सही माइल दिवत्तानम सोमरीम नवो सवो सही पत्तानम च देई श्रीम वाणी तिहु अनसामिनी श्री देवी जखराय गणपिड़गा गहदिशि पाल सुरिंदा सया विरखंतु जिनवत्ते रखंतु मवरोहिणी पन्नति वज्र सिंगलाय सया वज्जांकुशी च केसरी नरदत्ता काली महाकाली गोरी तह गंधारी महज्वाला मानवीय वैरुट्या अच्छुक्ता मानसिया मोह मानसिया ओ देवियो जखा गो मोह मह जखति मोह जखेस्तु मरु कुसुमो मायंग विजय अजी आबंभो मणु असुर कुमारो छम्मुह पयाल किन्नर अगरुल गंधवताय जखिंदो कुबेर वर्ण भ्यूड़ी गोमे पास मायंगा देवियो चक्केश्वरी अजादुरियारी काली महाकाली अच्छुआ संता जाला सुतारय सुश्रीवच्चा चंडा विजम कुशिपनंदिनी वाणी अच्छुआधरणी वैरुट चित्त गंधारी अंब पहुमा वही सिद्धा यति त्रकण रया अन्य सुरा सूर्य चौवावी मंतर ज्वैनी पमुहा कुणंत रखम सया अम हम एवं सुदिति सुरगण सयो संगस संति जनचंदो मज्झवी कर उरखम मुनि सुंदर सुरी थो महिमा ये संति नाह समदिति रखम सरैति कालम जो सबो वद्द वरयो सहल ईसु असंपयम परमम सहल ईसु असंपयम परमम सहल ईसु असंपयम परमम ओम नमो देव देवाय नित्यं भगवते रते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे रिंगरूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चितांग रहे शुद्धाति से कोटि विसहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरो दृष्टे विघट्टे वर्ण पंक्ति वाय दृष्टान प्रेत पिशाचादिन प्रणासयति ते विदा स्तंभय स्तंभय स्वा सत कोटि नमस्कृत अधिमत कर्मणाम दूराम दापतंतिर विडंबणा नाभि देशोद भवन नाले ब्रह्म रंग्रह प्रतिष्ठिते ध्यातमष्ट दले पद्मे तत्व में तत्फल प्रदम तत्वमत्र चतुर्वाणी चतुर्वर्ण विमिश्रिता पंच वर्ण क्रम ध्याता सर्व कार्य करी भवेत् क्षिप ओम स्वाहेति वर्णे कुत पंचांग रक्षण यो विद्याय दिदं तत्त्वं वस्यात् तस्या किल स्त्रिया पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेश परंपरा यावन नमंत्र राज्य वृद्धि जागृति मूर्तिमान व्याधि बंध वद व्याला नलाव संभव भय स्वयं प्रयाति श्री पार्श्व नाम स्मरण मात्र यथानादमय योगी तथा चेतनमयो भवेत् यदानतिष्करम किंचित कथ्यते नु भवादिदम इति श्री जीरिका पल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुता श्री मेरुतुंग सुरेस्ता सर्व सिद्धि प्रदायक जीरापल्लीं प्रभु पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितं अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्व मंत्रमयं सर्व कार्य सिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयं भोजे भूत प्रेत प्रणाशकं श्री मेरुतुंग सुरेन्द्र श्रीमत् पार्श्व प्रभो पुरा ध्यान स्थितं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवं सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवं सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवं बोलो जिरावला पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइएगा दो हाथ जोड़िएगा दादा संखेश्वर तीन लोक के नाथ हजरा हजूर महाप्रभावशाली अद्भुत सामर्थ्यशाली और जिनका नाम लेने से काम होते हैं ऐसे संखेश्वर दादा का स्तुति स्तवना स्तोत्र हाथ जोड़िएगा ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वजिन्तामणियते रीम धरणेन्द्र वैरुट्या पद्मा देवी उतायते शांति तुष्टि महापुष्टि दुते किते विदायिने ओम निद्व्याळवेल ताल सर्वाधि व्याधि नाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितयान्विता दिशां पालय ग्रहे रक्षेर विद्या देवी भिरन्विता ओम अस्या उषा नमस्तते ते लोकनाथदम चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्र चामरे श्री संखेश्वर मंडल पार्श्वजिन प्रणत कल्प तरु कल्प चुरय दुष्टव्रातम चुरय दुष्टव्रातम चुरय दुष्टव्रातम पुरय मे वांछितम नाथ पुरै मे वांछितम नाथ पुरै मे वांछितम नाथ बोलो संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइएगा
गुरु गौतम स्वामी का अद्भुत महाप्रभावशाली स्तोत्र और उसकी अंतिम पंक्ति है स गौतमो यच्छतु वांछितम में, जिस किसी को बाती हो साथ में मिलकर बोलने की कोशिश करिएगा। श्री इंद्र भूतिम वसुभूति पुत्रम पृथ्वी भवम गौतम गोत्र रत्नम स्तुवन्ति देवा सुर मानवेन्द्र स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। श्री वर्धमान त्रिपदी मवाप्य मुहूर्त मात्रेण कृतानि येन अंगानि पूर्वानि चतुर्दशापि स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। श्री वीरनाथेन पुरा प्रणीतम् मंत्रम् महानन्द सुखाय यस्य ध्यायन्तमि सूरीवरा समग्रा स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षा भ्रमणस्य काले मिष्टान्नपाना वरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। अष्टापदादौ गगनेषु शक्त्या ययौ जिनानं पदवन्दनाय निशम्य तीर्थातिशयं सुरेभ्य स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। पञ्च संख्या शततापसानां तपकृशानां पुनर्भवाय अक्षीण लब्ध्या परमान्नदाता स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। सदक्षिणं भोजनमेव देयम् साधार्मिकं संघ सपर्ययेति कैवल्य वस्त्रं प्रददौ मुनिना स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। शिवं गते भर्तरि वीरनाथे युग प्रधानत्वं हेव मत्वा पट्टाभिषेको विददे सुरेन्द्रै स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। त्रैलोक्य बीजं परमेष्टि बीजं सज्ञान बीजं जिनराज बीजं यन्नाम चोक्तं विददाति सिद्धे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। श्री गौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवाये पठन्ति ते सूरिपादां सदैव नन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे स गौतमो यच्छतु वांछितम् मे। जिन शासन के महाप्रभावशाली तपागच्छ के अधिष्ठायक श्री मणिभद्र दादा का स्तोत्र दो हाथ जोड़िएगा, आंखें बंद करिएगा और अद्भुत महाप्रभावशाली हमारे सत्संग में विराजमान आगरोड उज्जैन मगरवाड़ा में विराजमान मणिभद्र दादा का स्मरण करते हुए ओम नमः श्री मणिभद्रेन्द्र सर्वमंगलकारक प्रत्यक्ष दर्शनम श्रद्धा प्रीति भक्ति तह विद्यां देहि धनं देहि देहि पुत्रं च पुत्रिकां कीर्तिं देहि यशोदे प्रतिष्ठां देहि च श्रियं सर्वमेवांछितं देहि सुखं शान्तिं प्रदेहि मे वादे विवादे उद्देश्य जयं मे कुरु सर्वदा राज्यं च राज्यमानं च बलबुद्धिं प्रवदय
गर्भस्थ बालकम रक्ष रोगेभ्यो रक्ष बालकान् आदिं व्याधिं विपत्तिं च महाभीतिं विनाशय घातकेभ्यश्च मां रक्ष रात्रौ दिवाच सर्वदा अपमृत्यु प्रयोगाणां नाशतो रक्ष मे सदा दैवी संकटतो रक्ष आकस्मिक विपत्तिता साकिनी भूतवेताल रक्षांश्च निवारय वने ग्रणे गृहे ग्रामे रक्ष राज्य सभादिषु इष्ट सिद्धिं महासिद्धिं जयं लक्ष्मीवर्धय तपा गच्छ नायक ओं ह्रीं श्रीमानि भद्रवीरा नमोस्तुते मम शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं सिद्धिं समृद्धिं वश्यं च रक्षां च कुरु कुरु स्वाहा रक्षां च कुरु कुरु स्वाहा रक्षां च कुरु कुरु स्वाहा ओम असिया उषा नमः श्रीमानि भद्रवीरा दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिं बोलो मानि भद्रवीर की जिन शासन के प्रत्यक्ष प्रभावी अचिंत्य चिंतामणि समान ऐसे नाकोड़ा भैरव देव का मंत्र दो हाथ जोड़िएगा मस्तक झुकाइएगा और मन में शुभ संकल्प करते हुए कि आने वाला साल बड़ा ही सुंदर हमारे लिए बने ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम बम बटुकाय आपद उद्धरणाय श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः ओम बम बटुकाय आपद उद्धरणाय श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः ओम बम बटुकाय आपद उद्धरणाय श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः बोलो नाकोड़ा भैरव देव की जय। और हमारे जिन शासन के महाप्रभावशाली देव मौड़ी तीर्थ में विराजमान घंटाकर्ण महावीर देव का मंत्र स्तोत्र दो हाथ जोड़िएगा मस्तक झुकाइएगा और घंटाकर्ण महावीर देव का स्मरण करते हुए ओम घंटाकर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाशक विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तम तिष्ठसे देवालिखी तोक्षर भक्ति भी रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफद्वा तत्र राज भयम नास्ति यान्ति करणे च पाशयम् साकिनी भूतवेताना राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणम तस्य न च सर्पेण दस्यते अग्नि चौर भयम नास्ति नास्ति तस्या परि भयम् ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण महावीर नमोस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा घंटाकर्ण महावीर देव की। आइएगा महालक्ष्मी माता जो रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायिका है जिन शासन की चंद्र प्रभु स्वामी परमात्मा की जो अधिष्ठायिका देवी है श्री मंत्र के तृतीय पीठ पर जो विराजमान है ऐसे महालक्ष्मी माता का स्तोत्र चौथी पंक्ति है महालक्ष्मी नमोस्तुते जिस किसी को भी आता हो साथ में मिलकर जुड़ने की कोशिश करिएगा। नमस्तुस्ते महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सूक्ष्म स्थूल महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोला सुर भयंकरे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वग्ने सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरे सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगस्थित जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्याष्टकम् स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धि ममाप्नोति महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते बोलो महालक्ष्मी मात की। ज्ञान की प्रदायिका सम्यक ज्ञान की दात्री ऐसी माँ सरस्वती का बहुत ही सुंदर स्तुति स्तवना मंत्र दो हाथ जोड़िएगा। सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपिणी विश्वरूप विशालाक्षी देवी विद्या परमेश्वरी सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्यादानम वर प्रदा या कुंदिंत तुषार हार धवलाया श्वेत पद्मासना या वीणावर दंड मंडित कराया शुभ्रवस्था वृदा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति वीर देवी
सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा 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 करमराल विहंगम वाहना सितदुकूल विभूषण लेपना प्रणत भूमि रुहामृत सारिणी प्रवर देह विवाभर दारिणी ओम रीम श्रीम हसकल रीम ऐं नमः। बोलो सरस्वती मात की, जिन शासन की रखवाली राज राजेश्वरी भगवती माँ पद्मावती जो भक्तों के इच्छित को परिपूर्ण करने वाली है, ऐसे माँ पद्मावती की स्तुति दो हाथ जोड़िएगा। पाय रुम झुम रुम झुम झांझरना झणकार पद्मावती खेले पार्श्वतना दरबार सौ संग विघ्न हर जो कर जो जय जयकार एम सौभाग्य विजय कहे सुख संपत्ति दातार। स्वस्ति श्री जन राज मार्ग कमले प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री फणि नायिके सुर नराराध्य जगन मंगले स्वस्ति श्री कनकादि सन्निभवः सिंहासनालंकृते विद्यानामधिदेवते प्रतिदिनं मां रक्ष पद्मांबिके मां रक्ष पद्मांबिके मां रक्ष पद्मांबिके। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। बोलो पद्मावती मात की जय। आज के पावन दिवस से गुरु गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के पावन अवसर से विक्रम महाराजा के नाम से शुरू होने वाला नव वर्ष 2079 आज से शुभारंभ होने जा रहा है और ऐसा अद्भुत नववर्ष आप लोगों के जीवन में परमात्मा महावीर जैसी समता प्रकट करने वाला बने। प्रभु महावीर का जब निर्वाण कल्याणक है तो प्रभु महावीर की सहनशीलता हमारे भीतर आवे, आप सभी के भीतर आवे, साथ में गुरु गौतम स्वामी की लब्धि आप सभी को प्राप्त हो। अद्भुत अनेक लब्धि के निदान गुरु गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का पर्व है, तब गुरु भगवान के ये आप सभी को आशीर्वाद है कि परमात्मा महावीर की समता आपके भीतर आवे, गुरु गौतम की लब्धि आपके भीतर आवे, साली भद्र जैसी रिद्धि सिद्धि समृद्धि आप लोगों के जीवन में हो, धन्य अणगार जैसा तप त्याग आपके जीवन में प्रकट हो, जम्बू स्वामी जैसा वैराग्य आपके भीतर प्रकटे, कैवन्ना सेठ जैसा सौभाग्यशाली आप जीवन में बनो, खूब जीवन में आगे बढ़ो। महाराजा श्रेणी की जो भक्ति थी ऐसी भक्ति परमात्मा के प्रति गुरु के प्रति आपके जीवन में प्रकटे, पुण्य सावक जैसी सामायिक आप साल भर करते रहो, अद्भुत रूप से सुलसा जैसी श्रद्धा को जीवन में प्रकट करते रहो, अद्भुत रूप से धन्ना जैसा तब आपके जीवन में आए और अंत में अभय कुमार जैसी बुद्धि आप सभी को प्राप्त हो और ये वाला साल आने वाला साल आप सभी का खूब आनंद उल्लास उमंग उत्साह के साथ में आगे बढ़े, पूरा साल आप भीतर में आनंद उल्लास के साथ धर्म प्रभावना करते शासन प्रभावना करते शासन के कार्य करते सुकृतों को करते अच्छे कर्मों को करते अच्छे कार्यों को करते हुए संपन्न करो, ऐसे गुरु भगवान की ओर से आप सभी को भीतर से आशीर्वाद कि आप जीवन में खूब आगे बढ़ो, आपका यह नया साल खूब आनंदित हो, खूब अच्छा हो, खूब बेहतर हो, ऐसे गुरु भगवान को विनती करेंगे, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, दो हाथ ऊपर करके हम सभी दो हाथ जोड़ करके गुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलो गुरु जी हमारो अंतर्नाद, गुरु जी हमारो अंतर्नाद, गुरु जी हमारो अंतर्नाद। गुरु भगवान की ओर से आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा आदि सभी श्रवण श्रवणी भगवंतों की ओर से आप सभी को नए साल के खूब खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, नया साल खूब अच्छा हो, ऐसे गुरु भगवान की ओर से आप सभी को खूब 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 आशीर्वाद। अद्भुत शिवपुरी का चतुर्मास परिपूर्णता की ओर, चतुर्मास के पश्चात दिनांक 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक अद्भुत अंजनशाला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य माहौल आयोजन 6 तारीख को प्रातः वेला में शुभ मुहूर्त में गुरुदेव का यहां से विहार प्रस्थान जयपुर की ओर, इस साल जयपुर वहां से विहार धाम का उद्घाटन, वहां से आगे बढ़ते हुए पाली राजस्थान में वहां 24 तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिष्ठा, वहां से एमपी के तीर्थों की यात्रा करते हुए एमपी की मेन पंच तीर्थी करते हुए यात्रा करेंगे, वहां से गुरुदेव विहार करते करते
अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा और धुलिया के बाजू में बलसाना विमलनाथ परमात्मा दोनों तीर्थों की यात्रा स्पर्शना स्तवना करते हुए मुंबई महानगरी पधारेंगे। 3 साल बाद पुनः गुरुदेव का एक बार आगमन मुंबई नगरी की धन्य धरा के ऊपर, वहां पे करीबन 1 महीने की स्थिरता करके विविध आयोजन, प्रायः शाश्वती चैत्र मास की ओली की आराधना और तत्पश्चात गोरेगांव में परिकर आदि की प्रतिष्ठा, ये सभी कार्य को संपन्न करके गुरुदेव वहां से गुजरात की ओर पधारेंगे। गुरुदेव का जन्मोत्सव और उस निमित्त प्रेम परिवार के परिवारों के शिविर का आयोजन दिनांक 6 और 7 मई तिथल वलसाड के बाजू में जो सुंदर रमणीय जगह है वहां पे 2 दिवसीय अद्भुत शिविर का आयोजन, सभी प्रेम परिवार के जितने भी परिवार है वहां पे सम्मिलित होंगे। गुरुदेव का 6 तारीख का जन्मदिन है, शनिवार रविवार 2 दिवसीय वहां पे आयोजन होगा और वहां से प्रायः संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात अहमदाबाद की धन्य धरा पर गुरुदेव का आगमन होगा और 32 साल के लंबे अंतराल के बाद गुरुदेव आचार्य भगवंत कुलचंद्रेश्वर जी महाराज साहब का आगामी चतुर्मास गुरुदेव आचार्य भगवंत गच्छाधिपति शांति चंद्रेश्वर जी महाराज साहब की मंगल पावन कारी आज्ञा से और सभी गुरु भगवंतों की मंगल शुभेच्छाओं के साथ गुरुदेव का आगामी चतुर्मास 2069 जो आज से नया साल शुरू हुआ उसके साल का चतुर्मास गुरुदेव का श्री गौतम स्वामी जैन संघ, सुनिएगा गौतम स्वामी संघ का नाम भी गौतम स्वामी और आज गौतम केवल ज्ञान और गौतम स्वामी जैन संघ न्यू वासना में गुरुदेव का आगामी चतुर्मास निर्धारित हुआ है। बोलो गुरु गौतम स्वामी महाराज की। 32 साल बाद गुरुदेव का चतुर्मास अहमदाबाद की धन्य धरा पर होने जा रहा है और अद्भुत रूप से अद्भुत माहौल के साथ गजब के आनंद उल्लास के साथ और दशा श्रीमानी 42 समाज पूरा जब तैयार है गुरुदेव को अद्भुत रूप से चतुर्मास करवाने के लिए और वह विनंती का स्वीकार करके गच्छाधिपति गुरु भगवंत की आज्ञा का स्वीकार करके गुरुदेव का आगामी चतुर्मास गौतम स्वामी जैन संघ न्यू वासना अहमदाबाद में निर्धारित हुआ है। पुष्राक सम्यांति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनाम जयति शासनम्।